गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी और हमने उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। हाउ डू वी गो अबाउट, आज थोड़ा सा लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है जी। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुए हैं, सम वेरी गुड क्वेश्चंस, न्यू कंसेप्ट सीखेंगे साथ साथ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, जय माता दी, जय गुरु जी, लेट्स स्टार्ट द डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पता नहीं बहुत आया है, cos a ओवर 1 माइनस tan a प्लस sin a ओवर 1 माइनस cot a इज इक्वल टू sin a प्लस cos a। आज जितने क्वेश्चन करेंगे सब में कुछ ना कुछ सीखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी ट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो ध्यान से देखिएगा, अब tan cot है या sin cos है, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड sin cos में चेंज कर दो और कोई ऑप्शन नहीं। tan को चेंज कर दिया sin by cos, cot को लिख दिया cos by sin, सीधा sin cos में चेंज करना है। ये नहीं कि tan और cot को आपस में एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करो। क्या बन गया ये cos a, नीचे LCM लिया जाएगा, cos a माइनस sin a अपॉन कॉस है प्लस साइन ए, नीचे एलसीएम लिया जाएगा, क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन। सो अगर मैथ्स आपका सही है, बेसिक्स फंडे क्लियर है, तो आपको समझ आ जाएगा ये इट हैज टू गो ऊपर। सो दिस विल टर्न आउट टू बी कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए माइनस साइन, साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए माइनस कॉस। यहां पे आके अक्सर बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और छोटी सी ट्रिक है यहां पे, वो क्या है, ट्रिक भी क्या है, ध्यान से देखिए, यहां कॉस ए माइनस साइन है, यहां साइन माइनस कॉस है, दोनों चीजें सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है। सो हम यहां ट्रिक क्या खेलेंगे, हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन, ये सुन। अब ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में से कहां जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए माइनस साइन माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए माइनस। सो नाउ इफ यू सी भैया डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो एलसीएम में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, कॉस ए माइनस साइन, ऊपर यहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यही लिखा जाएगा एज इट इज। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई। The tata, the bye bye. I am left with cos a plus sin a, which is my right hand side. So, hence proved, jai mata. So, आज के ट्रिक क्वेश्चन ने हमें, पहले ट्रिक क्वेश्चन ने एक ही चीज बोली कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम थी, सिर्फ साइन का फर्क था, तो हमने वो साइन कॉमन बाहर निकाला और उसको यूज किया। आगे हम ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, क्लियर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैन की पावर 4a प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर, टेंजेंट की पावर 4a प्लस टेंजेंट का स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर। बहुत बच्चे इसको साइन कॉस में चेंज करने लग जाते हैं कि सर आपने बोला था चेंज एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, मैंने कहा था मेजर क्वेश्चंस मेजॉरिटी में। यहां देखो tan से secant लिखा हुआ है,
अब टैन और सीकेंट का कुछ रिश्ता होता है? यस, वो रिश्ता क्या कहलाता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ अंडरस्टैंड, टैन की पावर 4a, कैन आई राइट एज टैन स्क्वायर a का स्क्वायर? लिख सकता हूं टैन स्क्वायर a, यहां से क्या आ जाएगा आइडेंटिटी से? सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। आया ना? यहां क्या आ गया? टैन स्क्वायर की वैल्यू फिर से सीकेंट की टर्म में, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। बट अब यहां बाहर क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड, टैन स्क्वायर a की वैल्यू डाली, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, बट पूरे का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। सो a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या बन गया? सीकेंट की पावर 4a प्लस 1 माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज टाटा, दिस इज बर्गर। सीकेंट की पावर 4a माइनस दिस प्लस दिस विल बिकम माइनस सीकेंट स्क्वायर a व्हिच इज माय राइट हैंड साइड। सो हर क्वेश्चन, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, हर क्वेश्चन को साइन कॉज में नहीं चेंज करना होता, जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम सी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यहां टैन से सीधा सीकेंट में जा रहा था, तो टैन और सीकेंट का तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने साइन कॉज में चेंज किया। Yes, we can do with that also, but that will become a little more difficult to do. So we have not used that kind of a concept. Clear? Please note it down. Thank you. Moving further ahead, we move to the next question, which is a little easy question now. साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। ये इजी क्वेश्चन है, बट यूजली क्या होता है ऐसे इजी क्वेश्चन में, जब इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देखता है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, यार मेरे से नहीं होएगा। आधे बच्चे तो क्या करते हैं, जो गुस्सा चढ़ता है, टैन थीटा और कॉट थीटा, कॉट को लिख देंगे 1/10 और करने बैठ जाएंगे। भाई नहीं करना है तो सबको साइन कॉज में चेंज करो, वरना भैया रहने ही दो। तो यहां पे देखो टैन थीटा क्या होता है? साइन बाय कॉस। अब जो सिंगुलर फॉर्म होती है टैन कॉस सीकेंट कोसेकेंट, तो उनको तो साइन टैन कॉस में चेंज करना पड़ता है, साइन और कॉस की फॉर्म में। स्क्वायर्स में कुछ अलग चीज कभी देख सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या बना? साइन थीटा, यहां आया कॉस थीटा, ये एलसीएम लिया जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सारे पैसे यहां पे, इस क्वेश्चन के सारे पैसे मैंने कहा यहां पे। जिसको ये बात समझ आ गई उसका दिमाग अच्छा चल रहा है। ये शर्मा जी हैं प्लस वर्मा जी हैं। भैया अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले, वरना तुसी थल्ले थल्ले वाली बात हो जाती है। यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो दोनों में से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को बाहर निकाल दिया, शर्मा जी के पास क्या बचेगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वर्मा जी के पास क्या बचेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो भाई साहब ये रह गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ गया? एलसीएम साइन कॉस, तो भैया यही आ जाएगा। क्या होगा यहां? साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, यहां कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। सो भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा।
नाउ सी, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, सी कितनी टर्म्स चाहिए, दो टर्म्स राइट हैंड साइड पे। न्यूमरेटर में अब कितनी टर्म्स रह गई, दो टर्म्स। क्या कर दो, अलग अलग कर। साइन थीटा को यहां ऐसे लिखा, कॉस थीटा को अलग कर दिया। दिस दिस जय माता दी, दिस दिस जय माता दी। वन बाय कॉस थीटा प्लस वन बाय साइन थीटा। सो वन बाय कॉस होता है सीकेंट थीटा, वन बाय साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा। और हमारे पास हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, यही बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर दे गो क्रेजी, अ लिटिल मोर क्रेजी, सो यू डोंट हैव टू बिकम क्रेजी गाइस। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ यू कैन सी कि भैया दोनों के पास कौन कॉमन था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो मैंने आज बोला आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एक लेवल के होंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होगी, जिसमें हमारे पास वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर। क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन, थैंक यू सो मच। अनदर ब्यूटिफुल क्वेश्चन कमिंग योर वे। इसके बाद लेट्स मूव, सो द क्वेश्चन सेज वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक, वन प्लस टैन थीटा प्लस सेकेंट थीटा इज इक्वल टू टू। वन प्लस कॉट माइनस कोसेकेंट, वन प्लस टैन प्लस सेकेंट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स और टू आंसर दे रहे हैं, हाउ कम, लेट्स सी। जय माता दी। वन प्लस, सबको कॉस साइन में चेंज कर दिया तो भैया मेरे पास कुछ ऐसी शक्ल बन, यहां एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ना बोलना पाप चढ़ जाएगा तुम्हें, साइन थीटा ही होगा बस। साइन थीटा इंटू वन क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहां क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस आ जाएगा, यहां क्या आएगा माइनस, यहां भाई साहब कॉस थीटा ही होगा एलसीएम, और क्या आ जाएगा, कॉस इंटू वन इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। अब देखो यहां पे भी दो तरीके हैं, यहां पे भी अब आपको फंडा सिखा देता हूं, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आम आदमी मेथड कहता, आम आदमी करेगा क्या, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, साइन इंटू वन, कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू वन, माइनस वन इंटू कॉस, माइनस वन इंटू साइन, माइनस वन इंटू वन, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या बना भैया, यहां पे बना, ध्यान से देखो, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बल्ले बल्ले, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बल्ले बल्ले, हमारे पास क्या रह गया, अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ये माइनस वन बचा, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वन माइनस वन भी कैंसिल, टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टू आंसर। इतनी लंबी मल्टीप्लीकेशन कर सकते, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो मैथ्स बाबा स्टाइल, तो भैया आप थोड़ा सा हटके सोचो, वो हटके सोचना क्या था, यहां पे साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस सेम टर्म है, यहां माइनस वन है, यहां प्लस वन है, तो ये बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा ए है, ए प्लस बी
ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो क्या बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो मेरे को इतनी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़ी। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वन, वन माइनस वन, बल्ले बल्ले हमारे पास आ गया टू कॉस थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा विच गेट्स कैंसल्ड आउट ऑफ कोर्स एंड वी आर लेफ्ट विद आंसर। सो इट इज योर कॉल एब्सोल्यूटली, आप लंबा मल्टीप्लाई करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी यही करता है 99%। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट हो, कैन यू सी हियर ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी, सो देन यू विल डू इट दिस वे, बोथ आर करेक्ट बिकॉज बोथ विल गिव अस दी आंसर। आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो, कोई लड़ाई नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, इट्स अ डेमोक्रेसी, क्लियर। करिए कमिंग कमिंग कमिंग, अब आएगा वो क्वेश्चन जो पेपर के इतिहास में टॉप थ्री क्वेश्चंस में आता है, एब्सोल्यूटली नाइटमेयर फॉर द किड्स, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाइटमेयर कुछ नहीं है, आपका फंडा स्ट्रांग है तो आप इसको बल्ले बल्ले तरीके से कर सकते हो, आपका तरीका ही गलत है तो भैया आप थल्ले थल्ले ही रहने वाले हो, कुछ नहीं, और वो सच भी है आज। अब यहां पे मैंने ये दो लिखे हैं, ये भी आ सकता है प्रूविंग के लिए, ये भी आ सकता है प्रूविंग। सी हाउ डू वी गो अबाउट, मैं अस्त्र, दिस इज माय अस्त्र एंड द शस्त्र, टैन कॉट है, कॉट टैन है, ठीक है, वन प्लस टैन है, कॉट है, पूछा है। मैं आपको अब इस क्वेश्चन पे टाइम लगाने वाला हूं, ध्यान से देखना, मैं आपको पहले एक साइन कॉस के तरीके से करके दिखाऊंगा, साइन ए बाय कॉस ए, वन माइनस कॉस ए बाय साइन, हमारे पास बहुत टाइम है सीखने के लिए, इसलिए कॉस ए बाय साइन ए, बड़े फंडे क्लियर हो जाते हैं, वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए। सो भैया यहां एलसीएम लोग, साइन अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन होल डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन ए अपॉन कॉस। तो जब दोनों में आपके पास ऐसे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, उल्टा कर देते हैं, साइन बाय कॉस इनटू साइन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन साइन ए माइनस कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन इनटू कॉस कॉस ए माइनस साइन, ये है हमारा स्टाइल। सो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस। अब एक मैथ्स बाबा नाम के प्राणी ने आपको एक बात बोली थी, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ना करना अगर आइडेंटिटी ना बने, कर दिया तो भाई साहब गेम ओवर है, अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया फिनिश कर लो, महाभारत छिड़ जाएगी, ये नहीं होगा। अब फंडा क्या है आज के हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको याद है यहां साइन माइनस कॉज है, यहां कॉज माइनस साइन है, तो भैया साइन माइनस कॉज, कॉज माइनस साइन, क्या हुआ था,
यहां दोनों सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क है. कैन आई राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए साइन ए. अगर मैं माइनस का साइन बाहर निकाल दूं तो क्या लिखूंगा, साइन माइनस कॉस. और वो माइनस का साइन कहां चला जाएगा, इस प्लस की जगह, और हमारे पास बन जाएगा ये. आया ना, ये है हमारा यहां पे ट्रिक. साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन को मैंने किसमें चेंज कर दिया, साइन माइनस कॉस. नाउ सी अनदर ट्रिक, एलसीएम क्या होगा, देखो दोनों के पास साइन है माइनस कॉस है, तो ये तो आएगा ही आएगा दुनिया इधर से. इसके पास और कौन है, कॉस है. इसके पास कौन है, साइन है. बस ये चीज सेम है, सिर्फ कौन रह गया, साइन. साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यू. यहां पे ये और ये चीज सेम है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यू. अब बचपन में एक आइडेंटिटी सीखी थी, संकट मोचक आइडेंटिटी, मैं उसको बुलाता हूं. हनुमान जी के भक्त हैं हम. संकट मोचक आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए ओवर कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस. सो ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस कॉस कैंसिल. नाउ मैंने एक चीज आपको बताई, ऑलवेज सी हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड ऑन राइट हैंड साइड. नाउ यहां पे राइट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स चाहिए, थ्री टर्म्स. यहां न्यूमरेटर में कितनी है, एक दो तीन टर्म्स, तो उनको उतना ही रहने. तीन टर्म्स हैं या तीन टर्म्स चाहिए, अलग अलग कर दो. साइन स्क्वायर बाय कॉस ए साइन, चाहे हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, हमने नहीं किया. क्यों, क्योंकि मुझे कितनी टर्म्स चाहिए, तीन टर्म्स चाहिए. ये कैंसल आउट, ठीक है जी. सॉरी यहां प्लस है, ये कॉस और कॉस ए कैंसिल, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और ये बन जाएगा एक साइन साइन कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन. अगर अब दो टर्म्स चाहिए होती, यहां कितनी टर्म्स हैं, दीज आर टू टर्म्स, तीन ना बोल देना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म है. अगर मुझे दो टर्म्स चाहिए थी, दो टर्म्स वाला कंसेप्ट आता, तो मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देता, वन. ऑल डिपेंड्स कितनी टर्म्स चाहिए मुझे, तो ये भैया अब ऐसा बच जाए, वन बाय साइन ए कॉस ए, अलग अलग कर दो, प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, कैंसल आउट. तो ये बन गया सीकेंट ए को सीकेंट ए प्लस. So, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. ये था साइन और कॉस में अगर हम चेंज करें. इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ कॉट को टैन में चेंज कर देंगे, दैट विल बिकम स्टाइल टू, और आपके पास सेम आंसर आ जाएगा. स्टाइल टू से दैट यू विल डू योर सेल्फ चेंज कॉट इन टैन.
एंड सेम कंसेप्ट पे चलेगा आपके पास और सेम आइडेंटिटी लगेगी संकट मोचक की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और आपके पास आंसर आ जाए। दैट विल बी DIY, डू इट योरसेल्फ। मैंने आपको एक लंबा मेथड करके दिखाया जो 99% बच्चा करता है पेपर में और गलत भी करके आता है, बट स्टिल हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि सही कैसे करना है। क्लियर बच्चा पार्टी, करिए इसको नोट बहुत ध्यान से। क्लियर ना? इसी का एक भाई बहन ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर जो कहता है वन प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए अपॉन को सीकेंट स्क्वायर ए माइनस को सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन कॉज है, टैन कॉट है, सबको साइन कॉज में चेंज कर दिया, तो कॉट हो गया कॉज बाय साइन, टैन हो गया साइन बाय कॉज, बाउजी एलसीएम आ गया साइन ए कॉज ए, और यहां क्या आएगा साइन ए कॉज ए प्लस यहां साइन है तो कॉज इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू नो योर आइडेंटिटीज। यहां संकट मोचक आई काम, नहीं मानते भगवान को तो मान लो अच्छी बात ही है। संकट मोचक आइडेंटिटी ने बोला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां 99% बच्चा फंसता है इस क्वेश्चन में क्योंकि बच्चा कर ही नहीं पाता। अगर आप ध्यान से देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है, तो ये बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पेपर में डालने के लिए बिकॉज इसमें बच्चा खत्म हो जाता है। एज अ टीचर हमारा काम ही है बैंड बजाना है। दो टर्म्स चाहिए वहां पे, मैंने अलग अलग कर दिया। बच्चा इसको वन लिखता है फिर मल्टीप्लाई करता है कुछ नहीं होता, फिर वो राइट हैंड साइड सॉल्व करने बैठता है फिर उसका बैंड बच जाता है। यहां देखो हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया, स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। अब देखो होता क्या है, साइन इज बेसिकली वन अपॉन को सीकेंट स्क्वायर, उल्टा हो गया, एंड वन बाय कॉस इज सीकेंट, तो वन बाय कॉस इज सीकेंट, तो सीकेंट ऊपर चला गया, सिर्फ रेसिप्रोकल में लिख दिया। ऐसे वन बाय साइन इज कोसीकेंट, कोसीकेंट ऊपर चला गया, और कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होगा वन बाय सीकेंट स्क्वायर, तो वो नीचे आ गया। And you get your right hand side question is finished, खत्म, dead. अगर ये concept समझ आ गया ट्रिग्नो के बादशाह बन गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखना आ गया बादशाह बन गए धजियों दो। अगर आपने इसको वन लिखा क्वेश्चन उससे भी होगा पर बहुत लंबा बन जाएगा, उतना कॉम्प्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि फिर यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगी, यहां सीकेंड को सीकेंड में होगा नहीं फंसोगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर देता है। आई हैव पॉसिबली टॉट यू द सिंपलेस्ट द इजीएस्ट कंसेप्ट। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया खत्म, डेड क्वेश्चन। क्लियर?
another question we do that says 1 by cosecant minus cot minus 1 by sine 1 by sine minus 1 upon cosecant plus cot. I'll tell you a very simple thing. सुनना ध्यान से. अगर कोसिकेंट और कॉट, कौन कोसिकेंट और कॉट या फिर सीकेंट और टैन नीचे आ जाए तो भैया रैशनलाइज कर दे. इफ कोसिकेंट माइनस कॉट कोसिकेंट प्लस कॉट सीकेंट माइनस टैन सीकेंट प्लस टैन डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर रैशनलाइज. क्यों रैशनलाइज क्यों बोला? बिकॉज इनकी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज वन तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज वन. ये आइडेंटिटी होती है इसलिए भैया हमारे पास आंसर. इससे आसान कुछ नहीं. अगर हम इसको साइन कॉज में चेंज कर देंगे आंसर उससे भी आ जाएगा, पर वो इतना बड़ा सांड जैसा क्वेश्चन बन जाएगा और उसमें बच्चा फंस जाता है. नाउ सी मैथ्स बाबा स्टाइल हमने किया लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय कोसेकेंट माइनस कॉट इनटू कोसेकेंट प्लस कॉट अपॉन कोसेकेंट प्लस कॉट. मैंने इसको रैशनलाइज किया माइनस 1 बाय साइन क्या होता है? 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेकेंट थीटा. राइट, ये बन गया कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा. नीचे क्या आ गया? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा. नाउ कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, सो आई एम लेफ्ट विद कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट. This is Tata, this is bye bye, I get my cot theta. You say this is number 1. Now let's see. My right hand side. 1 upon sin theta will be what? Cosecant theta. Minus. Minus in bracket laga diya. 1 over cosecant theta plus cot theta. Cosecant theta minus cot theta. Cosecant theta minus cot. So cosecant theta minus cosecant theta minus cot theta cosecant square theta minus cot square theta cosecant square theta minus cot square theta denominator क्या बन गया? 1, ऊपर minus है भैया, bracket खोलोगे तो sign change हो जाएंगे, minus minus plus हो जाएगा. जय माता. From 1 and 2, देखो दोनों को सॉल्व किया क्या आया? cot theta आया. Left hand side is equal to right hand side. Hence proof खत्म. अगर हम इसको sin cos में करते आंसर उससे भी आता, but that would have become a lot complicated. I am telling you a very simple concept. अगर आपको identities याद है तो you will understand. Cosecant plus cot, cosecant minus cot, secant plus tan, secant minus tan. Wherever you get these in denominators, always and always rationalize, and this your answer becomes that easy. Clear? Kariye isko. So with this, we'll end the chapter. We'll end the lecture for the time being. In next lecture, main bahut jaldi milte hain. See ya guys. Enjoy.